अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहेल विरक आपको लाइफ स्टाइल विद सुहेल विरक में वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से अल्लाह ताला भी पूछ सकते हैं हमारे चाहने वालों को। जिसके साथ ही आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज इजाज लोगों का एंड ऑफ द डे है, यानी कि आज ये जा रहे हैं यहाँ से। इस खुशी में हमने इनको दावत दी है जी। बोतलें किधर हैं? हाँ इजाज भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। खा के कि काम करके? काम का तो रोज मजा आता है ना। अच्छा, बिरयानी का आज मजा आया। सही पक्की शरजीत? जिंदाबाद माशाल्लाह। हाँ जी, तो नहीं दस्या खाती भी है कि कोई ना? चमचियां लवो, आजाद चमचियां पड़ाई। अखीर तो आपने जो कि बचाई थी थोड़े को। चलो जी, ये सारे बैठे हैं जी। ये इजाज़ है, ये इसका छोटा भाई है, ये इसका भतीजा है, और ये इसका दोस्त है। ये अज़र हमारा हमसाया, ये मराज, वो शरजील, और ये मैं। हाँ जी, ये मेरी बिरयानी। तो खाना खा के आपको दिखाते हैं भी इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। आ साड़ा मिस्त्री जा रहा जी, पैसे ना बैग भर लिया ना, मैं क्या बखावा इतने अमी कोई गराज खोल हो। और जनाब जी, और हो रहा ना तुम्हारे में? रुपी नहीं बढ़िया याद हो सी बड़ा किदा पेंडी पटिया याद आया ना, आया गल्ला हो याद आ केड़ियां आ जा ले के गया। नहीं गल पैरों करी दी फिर उस पूरा उतरी दा, मैं इंजी करना। ये देखिए सारा काम इसने किया है और मैंने इसका कोई हक नहीं रखा है, सब पैसे दिए हैं। अभी जो काम रहता है उसके भी दे दिए हैं। ये क्या हो रहा है जनाब? अच्छा, तो काम तक चले गए हैं। अब जो कहने मुझे चाहिए थी वो मैं रख रहा हूँ, जो भी चाहिए वो मैं पैक दूंगा। दरबे वाली टाइल पड़ी है, ये बड़ी महंगी डैल और कोई ना कोई चाहिए बहुत महंगी है। मैं तो नहीं फैन रहा, कहीं ना कहीं लगते सबको भी लग रही है। अंदर कोई डाल नहीं, गेट वाली है। ये वो मैन्युअल टायर जो बिल्कुल बगीचे ग्रेनाइट एक्सेस करते हैं, फिर डाल के लिए तो हो गया जी। ये और आपका बिज सारा
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਭ ਕਰਦੀ ਹੈ राज भाई क्या हो रहा है ये किचन का काउंटर बनवाया है जो कि मूवेबल है तो ये शीट बाद में हम उतारेंगे जब उधर मूव करेंगे तो ये भी लग गया जी आज फट्टा हमारा इसके अलावा इस कमरे की जो टाइल लगने वाली थी वो सारी लग गई वो दो पीस काम थे वो बाद में लगेंगे ये देखें जी कॉपर टाइल का यूज़ किया गया ऊपर ये माशाल्लाह से बड़ी फैंसी बॉर्डर है यहाँ से शुरू होता है जी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है और ये ऊपर टाइल का शीशे का इस्तेमाल किया गया है बेहतरीन माशाल्लाह से सफाई तो अभी होने वाली है वो तो जब होगी तब भी पता चलेगा ये काम मुकम्मल हो गया ये सारा काम मुकम्मल हो गया लाना लो ताला खुला है उदन तो देखियो वो एक ताला खुला रह गया था मतलब बटन क्यों नहीं है इधर क्या चक्कर है ये देखें जी ये किचन भी तैयार हो गया माशाल्लाह से ये दरवाजे वो दो कब्जे ख़त्म हो गए थे चीज़ें फिर बढ़िया से मिलती नहीं है ना तो वो फिर वो वाला काम रह गया वो दो तीन दिन ठहर के आएगा और लगा देगा ये अब नीचे भी लगे हुए पर आ गई लकड़ी पड़ी हुई सारी अभी शोकेस बनवाना है मैंने और उसके लिए सामान ये रखा हुआ सारा बेहतरीन हो गया जी ये भी मुकम्मल हो गया है ये देखिए सारे का सारा जहाँ तक नज़र जाती है ये सब टॉप लग गई हमारी ये इस पत्थर का नाम मुझे नहीं आता है मार्बल ही ये पर रेट बता देता हूँ 270 रुपये फुट मिला है हमें ये देखें जी सारा लग गया और ये देखें अब ये मसाला बचा के चले गए काम ख़त्म हो गया वो क्या करते हैं ये देखें आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह से मुकम्मल हो गया सारा काम एक काम और काट इन थोड़ी कई मार छड़े लूज हो जाए जमया पे ये मसाला नहीं तो जम जाना औखा लाना नहीं ये जाया पर कि लाते इन्ना बड़ बनाया क्यों आने हाँ सारी सफाई मैं परसों करवाई ही वेखो जी हूँ हालत वेख लो इनकी ये दो दिन बाद तक आते कल का त्याज इन्ना गंद पिया कल त्याज वेख लो ये कल त्याज का गंद है
पर से सारे साफ करांगे। अच्छा ये बाहर के गेट से लेकर माशाल्लाह से हमारा ये साफ मुकम्मल हो गया है सारे का सारा, सिर्फ और सिर्फ इसकी ये रह गई है ये वाली थड़ी, ये सब सैंड पे क्योंकि लगनी है तो इसलिए ये नहीं लगवाई। शर्जील साहब सो रहे हैं, ये भी लग गया, ये उसने फ्राइडे को लगा आके ना वो लगानी है इसके स्ट्रिप पे, इसके नीचे भी मैंने टाइल लगवा दी थी माशाल्लाह से। ये देखें ये अभी रोशनी ना होने की वजह से सही नहीं नजर आ रही, पर बड़ी प्यारी ये वाली टाइल भी, ये भी हमारा हिस्सा मुकम्मल हो गया जी, ये सारा मुकम्मल हो गया। और अगर फिर बाहर की बात करें, अभी सारा कचरा फिलहाल यहाँ पे रखा क्योंकि रात है। ये देखे रेत उड़ रही है जी, ये सारा मुकम्मल हो गया। चलते हुए भी डर लगता है, जगह जगह पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, या परसों इंशाल्लाह सारी सफाई हो जाएगी। और ये टाइल भी लग गई सारी, ये वाइट टाइल के अंदर मैंने गोल्डन पट्टी और ब्लैक टाइल का इस्तेमाल करवाया है। ये फ्रेम बन गया, अब इसके अंदर स्टील का फ्रेम लगेगा, उसके ऊपर शीशा होगा और इसके अंदर बल्ब लगे हुए होंगे जी। उसने पहले खर बल्ब का पॉइंट ही काट दिया, चलो फिर भी लग ही जाएगा। ये रात के टाइम कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। अभी सारे काम खत्म हो गए हैं, लकड़ी के मिस्त्री आए थे वो चले गए काम करके उसी दिन परसों चले गए, और आज जो इजाज भाई आया हुआ था हफ्साबाद से जिसने हमारे पूरे घर में टाइल का काम किया है और ये शीशे का काम किया है। किधर गया है? हाँ जी वो वाला, तो सारे काम करके वो भी चले गए हैं, आज रुखसत हो गए हैं, तो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, वो अब हम याद आएंगे और हम पता नहीं उनका हम भी आएंगे। तो आज भी थोड़ी सी सफाई की है, थोड़ा सा काम किया पर थक गए क्योंकि काम इतना ज़्यादा और अंधेरा हो गया, अंधेरे में बाहर से कोई चीज़ नहीं उठाई जा सकती है क्योंकि अभी लाइटिंग नहीं लगी, लाइट का मसला है। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइफ स्टाइल विद सवेर वीर को सब्सक्राइब करें। अभी मैं बड़ा गंदा बंदा बना हुआ क्योंकि घट्टे घट्टा थे यहाँ पर, धड़ा धड़ वो काम पे लगे हुए थे और मुझे भी कोई होश नहीं था, मैं भी यहाँ पे था ये करवा वो करवा और कोई हाल नहीं, इसलिए आप मेरे कपड़े मत देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।